ये ले मेरे जूते उतार। ठीक है बोल रहे हैं मालिक, हम आपके क्यों जूते उतारेंगे? क्यों उतारेगी? क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है और मैंने बोला है, तो चुपचाप जूते उतार। नहीं मालिक, हम आपके जूते नहीं उतारेंगे। अच्छा तो तू मेरे जूते नहीं उतारेगी? तू नौकरानी है तो नौकरानी बन के ही रह, समझी? छोटे मालिक, आपने हमें थप्पड़ मारा। हाँ थप्पड़ मारा, जरूरत पड़ी तो और भी मारूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चुपचाप से मेरा जूता खोल। नहीं छोटे मालिक, अब तो हम बिल्कुल भी आपका जूता नहीं खोलेंगे। हम इस घर में काम करने आते हैं, आपका जूता खोलने नहीं। अच्छा तो तू यहाँ काम करने आती है तो ये भी एक काम है, तनख्वाह देते हैं हम तुझे, तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी? नहीं मालिक, हम इस घर में काम करने के लिए आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब करने आते हैं, ये आपका खुद का काम है तो आप इसे खुद करिए, हम नहीं करेंगे। तो तू मेरा काम नहीं करेगी? लेकिन तू भूल गई है मुझे, मुझे ना तू जैसी लड़की से काम कराना बहुत अच्छे से आता है। या तो तू मेरा काम करेगी या फिर इस घर से धक्के मार के मैं तुझे बाहर भगा दूंगा। तो बोल, काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं, हम नहीं करेंगे। तो फिर तुझे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। मालिक छोड़ो। अरे अरे क्या हुआ बेटा, और तू ये क्या कर रहा है? माँ आपने इसे सिर पे चढ़ा रखा है, मैंने इसे थोड़ा सा काम करने के लिए क्या बोल दिया, इसने मुझसे मुंह पे मना कर दी। बेटा तूने काम के लिए मना क्यों कर दी? नहीं मालकिन, हमने किसी काम के लिए मना नहीं किया साहब को, लेकिन साहब हमसे अपने जूते खुलवा रहे थे। अरे तो क्या हो गया, तू इस घर की नौकरानी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। बस कर, नौकरानी नौकरानी है तो तू उससे जूते उतरवाएगा? और तुझे शर्म नहीं आती एक लड़की से जूते उतारने के लिए कह रहा है? हैं, कहां गई तेरी पढ़ाई लिखाई? और मैंने तुझे यही सिखाया है क्या? और हाँ, उसे ना अपने काम अच्छे से करने आते हैं, और तू भी कुछ काम करना सीख ले, ठीक है? और अपने काम ना खुद कर लिया कर। अरे माँ, आप इस नौकरानी की वजह से मुझे डांट रहे हैं? अरे मैं आपका बेटा हूँ। नौकरानी? अरे नौकरानी नहीं है, ये हमारी एक फैमिली मेंबर की तरह है, और कितने टाइम से हमारे घर पे काम कर रही है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। और तू तो बहुत बदतमीज हो गया है, चल फटाफट इससे माफी मांग। माँ ये एक नौकरानी है, एक नौकरानी किसे मैं माफी? बिल्कुल नहीं। माफी नहीं मांगेगा ना तो निकल जाए इस घर से। इस नौकरानी की वजह से घर से निकाल रहे? हाँ, जो एक इंसान की इज्जत करना नहीं जानता वो इस घर में नहीं रह सकता। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? छोटे मालिक को हमारी वजह से घर से मत निकालिए। अरे नहीं बेटा, उसको समझना होगा कि एक इंसान की इज्जत उसके लिए कितनी मायने रखती है। अरे नहीं नहीं मालकिन, वो आपके इकलौते बेटे हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप उन्हें घर से बाहर निकालें। आप उन्हें एक मौका दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए उन्हें। देखा, देख बेचारी को बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, और तू तो पढ़ा लिखा होकर के भी नहीं समझ सका है, और देख वो तुझे बचाने की कोशिश कर रही है। देख अभी भी तेरी आंखों में अगर शर्म है ना, तो चल माफी मांग ले इससे। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने जाने मैंने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी भी इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, और ना ही कभी इस तरीके के काम के लिए बोलूंगा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं छोटे मालिक, आप हाथ मत जोड़िए, चल बेटा। और तुम अपने काम खुद कर लिया।